हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल गेट माय यूनिवर्सिटी पे। एनसीसी की काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दी गई है और अब आप अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए जा चुके होंगे और कई लोग होंगे जो कि प्रोसेस को अभी स्टार्ट करने वाले होंगे। अब चूंकि काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है तो बहुत ज़रूरत है इस समय इस बात को जानना कि काउंसलिंग की क्या स्ट्रक्चर होती है एनसीसी के अंदर में, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, रिपोर्टिंग की फॉर्मेलिटीज़ कैसे होती है, एग्जिट का क्या क्लाउज होता है, रिजर्वेशन पॉलिसीज़ क्या हैं और भी कई ऐसे सवाल जो कि आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट से लेकर के फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड हो, चाहे किसी मिस्टेक से रिलेटेड हो, इन सब को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। हमारे इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा जरूर, क्योंकि ये आपको इस काउंसलिंग को अटेंड करने में काफ़ी मदद करेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए और किसी तरीके से लगता है कि हमारा वीडियो हमारे चैनल पे जो आप देखते हैं वो आपको मदद कर रहा हो तो कमेंट जरूर करिएगा हमारे पे, और साथ ही में हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं काउंसलिंग की स्ट्रक्चर के बारे में जान करके। जो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी जो सेंट्रलाइज काउंसलिंग को कंडक्ट कराती है, इसमें 15% ऑल इंडिया कोटा की सीट्स होती है, 100% डीम्ड एम्स जिप्मा एएमयू बीएचयू की सीट्स होती हैं, साथ में 85% इंटरनल कोटा सीट्स ऑफ डीयू, 85% इंटरनल कोटा सीट्स ऑफ वीएमएमसी और डॉक्टर आरएमएल, और साथ ही में बीएससी नर्सिंग के लिए काउंसलिंग को कंडक्ट कराया जाता है। तो इनके लिए ही आप पार्टिसिपेट करते हैं एमसीसी में। एमसीसी में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का कोई भी इंक्लूजन नहीं है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग के लिए आपको स्टेट काउंसलिंग को पार्टिसिपेट करना पड़ता है, जहां पे रिमेनिंग 85% गवर्नमेंट के सीट्स के लिए पार्टिसिपेशन होता है और साथ ही में 100% प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के सीट्स के लिए अलॉटमेंट का प्रोसेस किया जाता है। अब ये हाईलाइट्स हैं एमसीसी की काउंसलिंग प्रोसेस का, जहां पे मोड ऑफ काउंसलिंग है ऑनलाइन, राउंड्स होते हैं 4, राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप और स्ट्रिप, डोमिसाइल्स कंडीशंस एप्लीकेबल होता है इंटरनल कोटा सीट्स ऑफ जिप्मा डीओ और आईपीयू, ओपन सीट्स होती हैं ऑल इंडिया कोटा की, टीम्ड की एम्स बीएचयू, ओपन सीट्स ऑफ एएमयू और जिप्मर की ओपन सीट्स के लिए कोई भी डोमिसाइल कंडीशंस एप्लीकेबल नहीं है। ऑल इंडिया कोटा की 4 राउंड्स को कंडक्ट कराया जाता है, राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप और स्ट्रिप। तो अब कोई भी सीट्स राउंड 2 के बाद में ऑल इंडिया की स्टेट में रिवर्ट बैक नहीं की जाती है, तो सारी सीट्स का अलॉटमेंट एमसीसी द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता है। डीम्ड की 3 राउंड की काउंसलिंग को एमसीसी कंडक्ट कराती है, राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप, और इसके बाद अगर कोई सीट वैकेंट रह जाती है तो उसे कॉलेज को रिवर्ट बैक कर दिया जाता है, जहां पे कॉलेज लेवल स्ट्रिप वैकेंसी राउंड को कंडक्ट कराया जाता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एम्स, बीएचयू, एएमयू ये सब कॉलेजेस हैं जिनकी 4 राउंड्स की काउंसलिंग एमसीसी कंडक्ट कराती है। एएफएमसी का फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस एमसीसी द्वारा किया जाता है, बट बाकी के प्रोसेस जैसे कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट और इंटरव्यू प्रोसेस सारा एएफएमसी द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता है, वहां पे एमसीसी का कोई भी रोल नहीं है। फॉर्म फिलिंग राउंड 1, राउंड 2 और मॉप अप राउंड के पहले किया जाता है, स्टे वैकेंस राउंड में कोई भी फॉर्म फिलिंग को एमसीसी में नहीं किया जाता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट राउंड 1 से एप्लीकेबल है, डीयू, वीएमएमसी एंड डॉक्टर आरएमएल की इंटरनल कोटा सीट, यानी कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी और आईपीयू के 2 कॉलेज की जो काउंसलिंग प्रोसेस एमसीसी कराती है इंटरनल कोटा 85% सीट्स के लिए, यहाँ पे 11th एंड 12th आपका दिल्ली से होना मैंडेटरी है, तभी जाके आप एलिजिबल होते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए कोई अलग से काउंसलिंग को कंडक्ट नहीं करा जाता है, बट आईपीयू यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग को एक अलग से कंडक्ट करा जाता है, जहां पे एनडीएमसी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और एसीएमएस 3 कॉलेज की काउंसलिंग को कंडक्ट करा जाता है, वहां पे वीएमएमसी और डॉक्टर आरएमएल का कोई भी सीट का शेयरिंग नहीं है। अब एमसीसी की रजिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जान लीजिए। अगर आप ऑल इंडिया कोटा, एम्स, जिप्मा, एएफएमसी, बीएचयू, एएमयू, डीयू, वीएमएमसी और डॉक्टर आरएमएल इसके लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, यानी कि गवर्नमेंट के सीट्स के लिए, तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी से 1,000 रुपीज पे करना होगा और सिक्योरिटी डिपॉजिट 10,000। तो इस केस में आपका टोटल अमाउंट पेएबल होगा 11,000 रुपीज। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 500 रुपीज का आपका रजिस्ट्रेशन कॉस्ट हुआ और डिपॉजिट आपकी गई 5,000 रुपीज, तो टोटल अमाउंट आपका हो गया 5,500 रुपीज। अगर आप डिम्ड के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको 5,000 रुपीज का रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करना होगा, 2 लाख रुपीज का सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो टोटल अमाउंट आपका यहाँ पे हो गया 2,05,000। डिम्ड के कैटेगरी में कोई भी कोटा नहीं है, यानी कि कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, तो यहाँ पे आपको 2,05,000 ही पे करना हो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। अगर आप सारे ऑप्शंस को ऑप्ट करना चाहते हैं तो जो हायर अमाउंट है 2,05,000 वो पे करेंगे, तो आप गवर्नमेंट डिम्ड सारे ऑप्शंस के लिए आप एलिजिबल होते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, आपके पास में चॉइस फिलिंग के टाइम पे सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अब ये फ्लो चार्ट है एमसीसी की काउंसलिंग का, जहां पे मैं आपको बताऊं कि राउंड 1 में अगर आपने फॉर्म फिलिंग किया है और चॉइस फिलिंग की है और आपको कोई अलॉटमेंट मिलता है तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन होता है कि आपको जो कॉलेज मिला आप सेटिस्फाइड हैं,
तो आपको क्या करना है, आप कॉलेज में रिपोर्ट करिए और एडमिशन लीजिए, आपका प्रोसेस वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आप सेटिस्फाइड तो हैं बट आप चाहते हैं कि कुछ अच्छे ऑप्शंस के लिए आप अपग्रेडेशन में जाना चाहते हैं, तो इस केस में भी आपको कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना होगा, फिजिकली डॉक्यूमेंट सबमिट करनी होगी, फीस जमा करना होगा, तब जा करके आपको वहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि आप विलिंगनेस डाल रहे हैं अपग्रेडेशन के लिए राउंड टू में। राउंड टू में आपको अपग्रेडेशन मिल जाता है तो आपकी प्रीवियसली अलॉटेड कॉलेज कैंसिल हो जाएगी और आपको नए कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना होगा, बट उससे पहले आपको रिलीविंग लेटर आपको लेना होगा जो एमसीसी के पोर्टल से आप ले सकते हैं। साथ ही में आपको कॉलेज से अपनी डॉक्यूमेंट और फीस को रिफंड लेना होगा, जाके आप इन डॉक्यूमेंट और फीस के बेसिस पर आप दूसरे कॉलेज में आप रिपोर्ट करेंगे। अगर आप सेटिस्फाइड बिल्कुल नहीं है अपने अलॉटमेंट से तो आपके पास दो चॉइस है, आप फ्री एग्जिट लेकर के आप एमसीसी से बाहर हो सकते हैं, आप अपनी स्टेट काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या किसी और स्टेट में जाना चाहते हैं तो आप एमसीसी से एग्जिट करके जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप राउंड टू या फिर मॉपअप राउंड भी जा सकते हैं, स्टे राउंड तक का की आपका एलिजिबिलिटी बना हुआ है तो आप राउंड टू में आप चॉइस फिलिंग करेंगे, उसके बेसिस पे जो भी कॉलेज अलॉट होता है तो आपको रिपोर्ट करना है। अगर आप रिपोर्ट नहीं करते तो उस केस में आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट हो जाती है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ये भी चीज़ कि जिन बच्चों ने पहले राउंड में रिपोर्ट किया और अपग्रेडेशन मिली है तो उनके पास कोई चॉइस नहीं होता है, उनको कंटिन्यू करना होगा, अदरवाइज जो पेनल्टी क्लाउज है डिसकंटिन्यूएशन का वो एप्लीकेबल हो जाए उस केस में। अगर राउंड टू में आपको अलॉटमेंट मिली और आप फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है न्यूली अलॉटेड बच्चों के लिए तो आप सीट को छोड़ सकते हैं, ऐसे केस में आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट तो ज़रूर होगा। अगर आप चाहते हैं तो मॉपअप राउंड में फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वहां पे आपको फिर से सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करनी होगी। और ये प्रोसेस डिम्ड और गवर्नमेंट की सारी सीट्स जैसे ऑल इंडिया कोटा है, एम्स, टिप्पर, सबके लिए सेम प्रोसेस एप्लीकेबल होता है। अब ये एग्जिट रूल है, राउंड वन में फ्री एग्जिट होता है जहां पे आप आगे के राउंड के लिए एलिजिबल होते हैं, राउंड टू में फ्री एग्जिट नहीं है। अगर आपने ज्वाइन कर लिया है किसी कॉलेज को सपोज राउंड टू में तो आप आगे के राउंड से बाहर हो जाते हैं, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट हो जाएगा। मॉपअप राउंड में कोई फ्री एग्जिट नहीं है, अगर आपको अलॉटमेंट मिल रही है और आप रिपोर्ट नहीं करते तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट भी फॉरफिट होगी और आप स्टे राउंड से तो बाहर हो जाएंगे। तो स्टे राउंड में बच्चे वही एलिजिबल होंगे जिनको राउंड वन, राउंड टू, थ्री में कहीं पर भी कोई सीट अलॉटमेंट नहीं हुई और जिन्होंने रिपोर्ट नहीं किया है। जिन्होंने एडमिशन ले लिया है वो स्ट्री वैकेंसी राउंड से आउट हो जाएंगे, जिन्होंने राउंड वन, राउंड टू और मॉपअप राउंड में फॉर्म फिलिंग नहीं किया है वो स्ट्री वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जिनको अपने स्टेट की काउंसलिंग या किसी स्टेट दूसरे स्टेट की काउंसलिंग प्रोसेस से भी कोई सीट अलॉटमेंट मिली और जहाँ पे उन्होंने एडमिशन ले लिया है राउंड टू या फिर मॉपअप राउंड में, वो एमसीसी की स्ट्री वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इस साल की प्रोसेस में यही नया चेंजेज आया कि राउंड टू में जिन्होंने एडमिशन ले लिया है वो फर्दर सीट को होल्ड करके बाकी स्टेट की काउंसलिंग प्रोसेस में नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे और ना ही स्टेट से एमसीसी की आगे के राउंड के लिए वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ये चॉइस फिलिंग का टेक्निक है जो मैं आपको बता दूं, सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि आप अपने प्रायोरिटी को सेट करिए, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उनको आप फिगर आउट करके रखे होंगे ऑलरेडी, उनकी सिक्वेंसिंग इस हिसाब से बनाइए, जो बेस्ट ऑप्शन है उसे टॉप पे रखिए, उसके बाद फॉलोड बाय बाकी के ऑप्शन, क्योंकि सिस्टम इस हिसाब से डिजाइन है कि वो आपके रैंक पे आकर के ऑप्शन को वन बाय वन देखता है, जहां पे आपके रैंक पे जो ऑप्शन लगता है कि ये अवेलेबल है वो उस कॉलेज को अलॉट कर देता है, बाकी के ऑप्शन को वो रूल आउट करता है जिसे वो बिल्कुल भी नहीं देखता, नजरअंदाज करके चलता है। तो आप अच्छे ऑप्शन को अगर नीचे रखेंगे तो हो सकता है लोअर ऑप्शन जो होंगे जिनकी कट ऑफ कम होगी वो कॉलेज अलॉट हो जाएगा और आपके अच्छे ऑप्शन जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। कई मिसकंसेप्शन भी है कि अगर मैं किसी कॉलेज को सेकंड नंबर पे रखूं और दूसरा बच्चा मेरे बाद के रैंक का वो फर्स्ट नंबर पे रख देगा तो उसे कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, सिस्टम रैंक बाय रैंक चलता है। अगर किसी ने चॉइस फिलिंग मेरे से पहले कर दी है तो उसे पहले अलॉटमेंट मिलेगा, तो ऐसा भी नहीं होता है। नंबर ऑफ कॉलेजेस की भी कोई लिमिटेशन नहीं, आप जितने कॉलेज चाहते हैं आप उतना कॉलेज आप एंटर कर सकते हैं। रिजर्वेशन पॉलिसी इस तरीके से है कि एएमयू ओपन सीट्स को लेकर के हर जगह रिजर्वेशन एक ही जैसा पॉलिसी है और डिम में किसी तरह का कोटा या कैटेगरी रिजर्वेशन नहीं एप्लीकेबल होता है। तो मैं आपको एम्स, ईएसआईसी की इंटरनल सीट्स, डीओ, आईपीयू, बीएचयू, जिपमर और ऑल इंडिया कोटा इसकी रिजर्वेशन बताता हूं कि ओबीसी में 27% है, ईडब्ल्यूएस में 10%, एससी में 15%, एसटी में 7.5% और पीडब्ल्यूडी कोटा में 5%। एएमयू के ओपन सीट्स पे 5% का पीडब्ल्यूडी को रिजर्वेशन है, बाकी किसी कैटेगरी में रिजर्वेशन नहीं है। एएमयू के इंटरनल सीट्स पे सिर्फ जनरल कैटेगरी में ही बच्चे सारे आएंगे, कैटेगरी का कोई बेनिफिट वहां पे भी नहीं मिलेगा। अब ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है जो कि आपको रिपोर्टिंग के टाइम पे कैरी करना है।
सबसे पहला है अलॉटमेंट लेटर, जो कि आपको एमसीसी इशू करती है। एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है नेट का, नेट का स्कोप का, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आपकी 10th की मार्कशीट, फिर आपको 12th का मार्कशीट लेके जाना है, क्लास 10th एंड 12th की पासिंग सर्टिफिकेट, एक पासपोर्ट साइज फोटो, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट आप लेके जा सकते हैं। कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। साथ ही में आपको कॉलेज से भी डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको चेक करनी है, क्योंकि कॉलेज टू कॉलेज कई डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो कि वेरी करते हैं। कहीं पे कहते आपको गैप सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है, कहीं पे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है, तो ये सब कुछ डॉक्यूमेंट जो कि आपको रिपोर्टिंग से पहले कॉलेज लेवल पे वेरीफाई कर लेना चाहिए। अब ये कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। मैं आपको बता दूं कि अगर कहीं गलती से आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप ऑल इंडिया कोटा के लिए पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे बट आपने डिम्ड को ऑप्ट कर लिया और अब इस केस में आपको हायर अमाउंट जो सिक्योरिटी डिपॉजिट का वो पे करना पड़ रहा है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, आपको रीसेट करना है अपने रजिस्ट्रेशन को, जहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन रीसेट हो जाएगी और आपको फिर से सारे ऑप्शंस को सेलेक्ट करना होगा। बट मैं आपको बता दूं कि ये मौका सिर्फ एक बार आपको मिलेगा, आपको दोबारा ये ऑप्शन नहीं मिलता है, तो ध्यान से अपनी फॉर्म फिलिंग को करिएगा। अगर आपने ज्वाइन कर लिया है किसी कॉलेज को राउंड टू में और इसके बाद में आप चाहते हैं सीट को रिजाइन करना, तो आपके पास में रिजिग्नेशन का कोई ऑप्शन नहीं है, आपको कंटिन्यू करना ही होगा। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में, जहाँ पे नेम में आपको लगता है कि ये गलती है, मिस्टेक है, तो ऐसे केस में जब आप रिपोर्टिंग के लिए जा रहे हैं तो एक एफिडेविट कैरी करिए, जहाँ पे वो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट आप लगाइए जिसमें मेंशन है क्या कि आपका एक्चुअल जो करेक्ट स्पेलिंग है वो ये है। अगर आपके पास में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है और आप रिपोर्टिंग के लिए जा रहे हैं तो वैसे केस में आपकी रिपोर्टिंग एक्सेप्ट नहीं होगी, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो जो बच्चे दूसरे कॉलेज में ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं, आपको अलॉटमेंट मिलने के बाद जो टाइम मिलता है आप उस टाइम फ्रेम में अपने कॉलेज से डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करिए, तभी जाके आप रिपोर्टिंग कर पाइएगा। अगर फॉर्म फिलिंग से कोई भी अदर इश्यूज है तो आप मेल कर सकते हैं एमसीसी को, वो है callcentermcc@lifecarehll.com और साथ ही में कॉल कर सकते हैं 1800-102-7637 पे। अगर कोई फिनेंशियल डिस्प्यूट है, जैसे कि पेमेंट आपकी डिक्लाइन हो जा रही है या फिर पेमेंट आपके दो बार कट गए हैं, तो ऐसे केस में रिफंड रिलेटेड अगर आप इशू है तो आपको फाइनेंशियल कस्टडियन को रीच करना है। अगर आपके पैसे कट गए हैं, ट्रांजेक्शन फेल हो गया है, तो ऐसे केस में आप रिफंड के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीशन के 10 दिन बाद फाइनेंशियल कस्टडियन को आप रीच कर सकते हैं financemcc@lifecarehll.com पे। ये कुछ और कॉमन क्वेरीज है वो भी मैं आपके आंसर कर देता हूँ कि अगर आपने कोई सीट होल्ड किया हुआ है एमसीसी से और आप चाहते हैं स्टेट की काउंसलिंग को पार्टिसिपेट करना, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। और साथ ही में अगर आपने स्टेट में कोई सीट होल्ड करके रखा और ये प्रोसेस है राउंड टू का, अगर राउंड टू में आपको मिल गया है सीट और आपने एडमिशन ले लिया है, तो आप फर्दर किसी और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं एज पर न्यू गाइडलाइन। क्या आप सरेंडर कर सकते हैं राउंड टू के अलॉटेड सीट को? हाँ, आप सरेंडर कर सकते हैं, इस केस में आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट हो जाएगी। क्या आप रीअपेयर कर सकते हैं मॉपअप राउंड में एमसीसी की आफ्टर सरेंडरिंग सीट इन राउंड टू? हाँ, आप रीअपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट होगी और फ्रेश सिक्योरिटी डिपॉजिट के साथ में आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं मॉपअप राउंड में। क्या आप डायरेक्टली स्टे वैकेंसी राउंड में अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते, आपको राउंड वन, राउंड टू या फिर मॉपअप में अप्लाई करना होगा। Will I be eligible to participate in the state counseling if I have not applied in MCC? ये बहुत बड़ा misconception है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको state की counseling में participate करना है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं कि आपको MCC में participate करनी है, कोई relevance नहीं है। साथ ही में अगर आपने state में participate नहीं किया है तो आप MCC में भी participate कर सकते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है mandatory जहाँ पे आपको दोनों ही counseling को attend करना होगा। Will I be barred from state counseling participation if I am holding any seat in MCC round? मैंने already बता दिया कि हाँ, अगर आपने round 2 में seat होल्ड किया हुआ है, आपने रिपोर्ट कर दिया है, तो आप फर्दर काउंसलिंग से बाहर जाते हैं। बट यहाँ पे एक और क्लैरिटी दे देता हूँ कि ये प्रोसेस एप्लीकेबल तब है जब आपने एडमिशन लिया है। अगर आपको अलॉटमेंट मिली है राउंड टू में और आपने रिपोर्ट नहीं किया, तो ऐसे केस में आप आगे के राउंड के लिए एलिजिबल रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि एमसीसी की काउंसलिंग से रिलेटेड ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप अपनी काउंसलिंग प्रोसेस को बेहतर तरीके से हर चीज़ों को समझ करके आप अटेंड करेंगे। आगे हमारे साथ में जुड़े रहिए ताकि हम आपको और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करते रहें। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको सीट मैट्रिक्स और स्टेट वाइज गवर्नमेंट में किस हिसाब से बॉन्ड कंडीशन है वो मैं बताऊंगा कि कितने ईयर्स का बॉन्ड होता है, सर्विंग्स बॉन्ड जिसे कहते हैं, और रिलीविंग
के केस में आपको, अगर आप सर्विस बॉन्ड को नहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उस केस में आपको कितने अमाउंट का पेनल्टी लगेगा स्टेट वाइज, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप जब चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो ये इनपुट आपके पास हो और इसको अकॉर्डिंगली आप चॉइसेस को कंसिडर करके अपने प्रोसेस को कंप्लीट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।